अब देखते हैं भाई यहाँ पर क्या इसमें कमी निकलती है और कितना इसका चार्ज लगेगा, ये सब इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एसी बंद कैसे हो गया ऑटोमेटिक? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑन कुएतेल का इन्फॉर्मेशन। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि तुम्हारा भाई इस वक्त कतर में है और कतर में ही कमाने खाने का धंधा कर रखा है। तो भाई, कल रात मैं कहीं जा रहा था तो मेरी गाड़ी में अचानक से कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई। सो मैं जा रहा हूँ अब VIP गैरेज में गाड़ी को सर्विस कराने, उसको चेक कराने के लिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, और कंप्यूटर पे लगा के पता चलेगा भाई गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। सो गाइस, बन रहना वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि पूरा व्लॉग A to Z मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्या क्या कंडीशन रहती हैं, कैसे कैसे गाड़ी को यहाँ पर रिपेयर करते हैं और कितना चार्ज लगता है, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो भाई, बने रहना वीडियो के लास्ट तक। सो भाई, ये खड़ी है मेरी निसान पेट्रोल और अब मैं आप लोगों को इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बने रहना भाई वीडियो के लास्ट तक। उसके बाद सीट बेल्ट लगाते हैं और अब हैंड ब्रेक लगा के तो भाई देखा आप लोगों ने कितना लंबा सेल्फ गाड़ी ने लिया है यहाँ पर। तो हालांकि इतना लंबा सेल्फ गाड़ी को लेना नहीं चाहिए, इतना सा हल्का सा बटन दबाओ तो गाड़ी फौरन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो यहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही, स्टेयरिंग की लाइट यहाँ पर जल रही है और यहाँ पर रात एक चेक इंजन वाली लाइट जल रही थी, शायद वो आगे जा करके कहीं ना कहीं जल जाएगी। ये देखो भाई, ये वाली लाइट, इन चेक इंजन वाली लाइट फिर से जल रही है। अब इसको कंप्यूटर पर लगवा के चेक करवाना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी को कंप्यूटर पे लगवाने के बाद पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये सामने VIP गैरेज है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये उसी का है ये पूरा। सो भाई, वो बंदा सामने जो खड़ा हुआ है वो चेक करके बताएगा कंप्यूटर पे लगा के कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखते हैं भाई कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इसमें क्या प्रॉब्लम है, कितना खर्चा आएगा। कंप्यूटर का इसने अभी तक मेरे को बताया, कंप्यूटर का चार्ज लगेगा 150 रियाल और जो इसमें बाकी अलग से जो सामान डलेगा उसका चार्ज अलग से। देखते हैं भाई यहाँ पर क्या इसमें कमी निकलती है और कितना इसका चार्ज लगेगा, ये सब इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। AC बंद कैसे हो गया ऑटोमेटिक? अच्छा, सो भाई मेरे को तो पहले ही लग रहा था कि गाड़ी में प्रॉब्लम सिर्फ उसके मिस फायर की वजह से है। मिस फायर होने का कारण ये था कि इसका अभी मेरे ख्याल से प्लग निकालना पड़ेगा और प्लग निकाल के चेक करना पड़ेगा कि कहीं प्लग की वजह से तो मिस फायर नहीं है। सो भाई, बने रहना वीडियो के लास्ट तक और देखना वीडियो कैसे। वो आपका इंजन मिस फायर है? इंजन मिस फायर है, सिलेंडर 6। हाँ, वो 6 नंबर का या कोयल मिस फायर है या प्लग चेक करना पड़ेगा। अच्छा, सिलेंडर 6 मिस फायर बता रहा ना, बस यही है, इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं, बाकी सब चीज ओके है। ओके है, वो जो टायर का निशान है ना, हाँ, वो रेड वाला, हाँ, वो टायर का सेंसर बता रहा है आपका। अच्छा, टायर का सेंसर। अच्छा, दूसरा? और दूसरा कुछ नहीं, वो बस मिस फायर है, वही चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मिस फायर वो किस कारण हो रहा है ये नहीं बताएगा? मिस फायर किस कारण, वो प्लग खराब हो जाता है या कोयल शॉर्ट होता है या कोयल खराब हो जाता है, इसलिए तो खोलना पड़ेगा फिर। हाँ, खोल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो खोल लो फिर एक बार। सो ये स्टीयरिंग पे कंप्यूटर सिस्टम लगा के छोड़ दिया है और वहाँ पर वो अपना काम करने लगा है। अब वो प्लग खोलेगा, पहले उसके प्लग ही कहीं ना कहीं फॉल्ट निकलेंगे और उसके बाद जैसे ही वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंजन में से, तो कंप्यूटर में पूरा ग्रीन, जितना भी रेड रेड हो रखा है ये सब, ये जितना भी रेड हो रखा है ये सब ग्रीन हो जाएगा। Thank you.
ऑयल चेंज करनी पड़ेगी, स्टेयरिंग ऑयल नहीं है यहाँ पर, इसका स्टेयरिंग ऑयल डलेगा और उसमें ब्रेक ऑयल डलेगा। और कोयल इधर लगी हुई थी जो ख़राब है, वो चेंज करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। गाड़ी बन के हो गई हमारी तैयार और इसमें लगा है 1070 रियाल, जो कि इंडिया का 24,342 के समथिंग बनता है भाई। और इसमें एक कोयल ख़राब थी और 6 इसके प्लग ख़राब निकले हैं, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। ये थे देखो जी, ये हैं इसके 6 प्लग जो चेंज हुए हैं और एक इसमें है ये कोयल, इसको कोयल बोलते हैं, ये वाली कोयल थी भाई जो ये टोटल सामान बना था इसका 1070 रुपये। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।